नींद आ गई। ये खेल रहा है झूले में। कैसा लग रहा है आपको झूले में? अच्छा, ले इधर आओ, ले इधर आओ। उधर बाहर नहीं जाना है, वहां जाना है। बाहर चलो, आपकी जगह यहाँ है ना। कहना नहीं मानते हो, वहां बैठ रहो, यहीं पे बैठना आप। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता उत्तराखंडी देवभूमि के हल्द्वानी शहर से। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 11। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट मेरी 11 बजे से हो रही है और स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा आप लोग देख सकते हैं और अभी यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप हो रही है, बाहर जाने जैसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये झूला खेल रहा है, देखो अभी अभी स्कूल से आया और उसके आने के बाद यहाँ पर झूला खेलने लग गया है। मक्खन टूटेगा वो, ये उसमें बैठते हैं, खाली झूला नहीं चाहते। बैठो, एक तो हवा इतनी तेज कर दिया। हाँ बैठो, अब चलाऊंगी, अब धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे। तो यहाँ पे चला रहा है झूला, झूले में बैठा है और अभी अभी स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद इसकी सतानी शुरू होने लग गई है और वहाँ पे बैठा है झूले में। स्कूल से आने का अभी लंच नहीं बना है, अभी दिन का लंच बना है। झूले में अच्छे से बैठो बेटा, ऐसे दो इनको पकड़ते हैं ऐसे इस साइड से। हाँ अब झूलो, ऐसे हल्का हल्का झूलो, ऐसे झूलो। हाँ झूलो फिर अपने हाथ से। हाँ झूलो, हे हे हे, मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है। आप बैठे रहते हो इसमें दिन भर? बैठे रहोगे? अच्छा चलो घूमो फिर ऐसे करके। ये कहीं टूटेगा तो नहीं ऊपर से? नहीं, वो तेज घुमाओ, वो तेज घुमाओ। नहीं उधर डॉगी है, डॉगी काटेगा। ए हे 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 हे, अरे वाह। ये खेल रहा है झूले में। कैसा लग रहा है आपको झूले में? गाइस कैसा है गाइस का झूला? ये आ रहा मजा, कितना मजा आ रहा। किसका? अच्छा ऐसे करके थोड़ी झूलते हैं ऐसे। ये आया मजा, ये आ रहा। अरे तो सो गया इसमें, सो गया क्या? यहाँ पे खिले हैं इतने प्यारे प्यारे फूल। ये हाजिरी का फूल जो मैंने काफ़ी ब्लॉगों में आपको बता रखा है। और इतने सारे फूल हैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं। देखो चिड़िया को 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 कर रही है, वो देखो। हाँ आपको झूले में कैसे बैठना है? हाँ हाँ, मैं तुमको बताऊंगा झूले में कैसे बैठना है। चलो बैठो, मैं देखती झूले में कैसे बैठना है। और रूबी को बैठाओ। अबे हैं, रूबी कैसे बैठेगा? उसके पाँव इधर नहीं है। हैं उसके पाँव? उसका हाथ कहाँ है? रूबी की हाथ इधर नहीं है। बताता हूँ तुमको कैसे बैठना है। इसमें ऐसे आसन मोड़ के बैठना है। अच्छा आसन मोड़ के बैठते हैं। हाँ, अब झुलाओ, अब झुलाओ। पक्का? हाँ। गिरेगा तो नहीं? वन टू तुम हाथ जो साइड से थ्री। रूबी खाना खा ले। रूबी, रूबी तूने खाना नहीं खाया? अरे आज पानी पिएगा। इसको पानी पिला दो। आ रूबी, पानी पिला दो। रूबी नहीं आ रही है, रूबी सो गया। और दिन तो आता है, अभी क्यों नहीं आया? अभी कहाँ आएगा फिर वो? और दिन तो आता है छत से। नींद आ गई। बनाती हूँ लंच और दिन के लंच में देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज, क्योंकि आज कुछ स्पेशल तो है नहीं। देखते हैं क्या बनता है और बनाती हूँ।
तो फिर मिलते हैं आपसे, ब्लॉग को करते रहेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे मेरे दिन के लंच की तैयारी होने लगी है, तो आज के लंच में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरे मिस्टर जी तो दिन में ड्यूटी रहते हैं। मैंने प्याज काट लिया थोड़ा सा टमाटर, बाकी मैंने चावल निकाल लिए हैं, और ये मैंने खीरा भी रखा है सलाद के लिए यहाँ पे, और बाकी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज मिस्टर जी ड्यूटी रहते हैं तो अकेले क्या बनाऊँ हो जाती है, तो इसीलिए मैं कभी खिचड़ी कभी दाल कभी चावल कुछ ऐसी बना लेती हूँ हल्का फुल्का सा। तो मेरे लंच बना लेती हूँ, पर्दे ऊपर से नीचे आएंगे ना फिर झूले, ये जा ये पर्दे ये पर्दे ऊपर से नीचे आ जाएंगे कह रही हो, एक बार बस चल आजा खाना बनाते हैं नीचे, चलो कहाँ से खाना, मिठाई हाँ उसमें अचार है बेटा, मिठाई नहीं है, अरे डब्बा ये आले में था वो मिठाई नहीं है, चलो पानी पिलाओ, उधर पानी पिलाना वहाँ पे हो, ऊपर से नीचे आएंगे ना फिर झूले, ये का लंच करने के बाद अभी हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं और मेरा बेबी। शाम को 5 बजे मैं डेली चले जाती हूँ, लेकिन आज देर हो गई है। नए ब्लॉग में तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखकर जय देवभूमि उत्तराखंड।